कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों पर इस वक्त खूब मेहरबान हैं। खालिस्तानियों को लेकर इस वक्त कनाडा में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, नई नई पॉलिसी लाई जा रही है, लेकिन अब खालिस्तानियों के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो मुसलमानों पर भी मेहरबान हो गए हैं। और अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मुसलमानों को हलाल लोन देंगे। जी हाँ, हलाल लोन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त कनाडा में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मुसलमानों के लिए हलाल लोन का ऐलान किया गया है, जिससे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीयत क्या है वो साफ समझ में आने लगी है। वो ये कि भारत के खिलाफ काम करके सिर्फ और सिर्फ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल एक तरफ कनाडा के टोरंटो में मनाए गए खालसा दिवस और सिखों के नववर्ष के कार्यक्रम में जस्टिन ट्रूडो पहुंच रहे हैं, जहां खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारों पर ट्रूडो को मुस्कुराते हुए भी देखा गया। ट्रूडो ने टोरंटो में खालसा दिवस के जिस कार्यक्रम को संबोधित किया, वहां मोदी वांटेड के बैनर भी लहराए गए। ये बैनर अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस की ओर से लगाए गए थे, जिसने पिछले साल जून में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने की बात कही थी और कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने सिखों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की कसम खाई। यानी ट्रूडो का संबोधन ये बताने के लिए काफी है कि भारत से पंजाब को अलग करने के लिए अभियान चलाने के खालिस्तान समर्थक सिखों के अधिकारों को कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स के तहत सिर्फ इसलिए संरक्षित किया गया है ताकि वो खालिस्तानियों के वोट बैंक हासिल कर पाए, वोट बैंक की राजनीति कर पाए। वहीं इस कार्यक्रम में भारत के खिलाफ हुई नारेबाजी पर भारत ने चिंता जताई, कड़ी आपत्ति जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब भी किया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को लेकर, यानी लोगों के वोट हासिल करने के लिए ट्रूडो खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस हद तक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि अब उन्होंने मुसलमानों के लिए हलाल लोन देने का ऐलान कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने 16 अप्रैल को 2024-25 का बजट जारी किया, जिसमें मुसलमानों के लिए हलाल लोन की घोषणा की गई। इसके तहत किसी भी मुस्लिम को घर के लिए लोन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में शरिया कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शरिया कानून के तहत ब्याज लेना हराम है। इसलिए लोन लेने वाला कर्ज चुकाने के दौरान उस घर पर बतौर किराएदार रह सकता है और कर्ज की रकम किराए के तौर पर बैंक को अदा करेगा। जैसे जैसे उसका कर्ज कम होता जाएगा, उस घर पर उसका स्वामित्व होता जाएगा, यानी वो घर का मालिक बन जाएगा। ट्रूडो सरकार का कहना है कि लोगों को कर्ज लेने के लिए सुविधा को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। मुसलमानों के लिए ब्याज की रकम हराम है, इसलिए लोन को शरिया कानून के तहत दिया जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को हलाल मॉर्गेज नाम दिया गया है। ट्रूडो का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब कनाडाई सरकार ने विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले दिनों कनाडा के स्कूलों में हाल ही में लैंगिक विचारधारा या सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को शामिल किया गया। इसका कनाडा के इस्लाम को मानने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। कनाडा के मुस्लिमों का कहना है कि लैंगिक विचारधारा को कुछ जल्दी ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को उम्र से पहले सेक्सुअलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। कनाडा की सरकार के इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में LGBTQ समुदाय के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जो शरिया कानून में नहीं है। और कनाडा में शरिया कानून की मांग के लिए रैली भी की गई थी और कनाडा के मुसलमान जस्टिन ट्रूडो से नाराज भी थे। इसलिए इस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों के लिए हलाल लोन की घोषणा की, ताकि मुसलमान वोट बैंक कनाडा के पीएम हासिल कर सके। यानी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए मुसलमानों के लिए हलाल लोन का ऐलान और खालिस्तान समर्थकों का साथ दिया जा रहा है, और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ही हलाल लोन का ऐलान करके मुसलमानों को अपने हक में जस्टिन ट्रूडो लेना चाहते हैं, ताकि वो जस्टिन ट्रूडो को वोट दे पाए। इसी तरीके से खालिस्तानियों का साथ देकर भी जस्टिन ट्रूडो यही करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था।
इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तब से अब तक भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव आ रहा है। भारत ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था और कनाडा में ऐसा ही हो रहा है, यानी वोट बैंक के चक्कर में कनाडा के पीएम भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अगर कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद उसमें गिर सकता है, और यही हाल आने वाले दिनों में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का होने वाला है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।